नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शुभांगी की किचन में। आज मेरी किचन में बनने जा रहा है कुछ मीठा बालूशाही। बालूशाही के अलग अलग नाम हैं। कई लोग इसको डोपटा भी बोलते हैं, कई लोग इसको खुरमी भी बोलते हैं, लेकिन आज हम इसको बालूशाही बोलेंगे और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, झटपट से बन जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सके, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी रेसिपी। बालूशाही बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ सामान लिया है, जैसे कि मैंने यहाँ मैदा ली है, घी लिया है देसी घी, और यहाँ मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हमें एक कप सेट कर लेना है, उसी कप की हेल्प से हम यहाँ पर सारी चीजें मेजर करके डालेंगे। यहाँ मैं ये कप ले रही हूँ, अगर आपके पास नहीं हो तो आप घर का कोई भी नॉर्मल कप भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ ये कप सेट किया है, मैं यहाँ 2.5 कप मैदा ले रही हूँ। आप सब चीजें मेजर करके डालेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा और आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी बालूशाही। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद इसी कप की हेल्प से हम यहाँ पर डालेंगे देसी घी। अगर आप देसी घी डालना नहीं चाहते हैं तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिठाइयों में देसी घी डालने से बेस्ट रिजल्ट आता है। मैं हमेशा देसी घी ही यूज़ करती हूँ। ये हमने डाल दिया इसके अंदर। अब इसको हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बालूशाही आप कई बार बना के देखी होगी आपने, लेकिन जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही बनती है। मैंने ये ट्रिक्स जो है वो हलवाई से ही सीखी है। कई बार मैंने बनाई, बहुत सारी कमियाँ रह गई उसके अंदर, लेकिन जब तक मैंने परफेक्ट बनाना नहीं सीख ली, जब तक मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर नहीं आई हूँ। अच्छे से इसमें घी मिक्स हो चुका है। अब जिस कप से आपने घी मैदा सब कुछ चीज़ें ली थी उसी कप में मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। 1/2 कप पानी ले लिया है मैंने। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करेंगे। हमें इसको मैदा को आटा लगाने जैसे गूंथना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। ये सबसे बड़ी ट्रिक है बालूशाही के अंदर लेयर्स लेकर आने के लिए, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। देखिए मैं बिल्कुल आटे को अच्छे से ज्यादा जोर नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ इसको मिक्स कर रही हूँ इस तरह से। पानी कम से कम यूज करना है इसके अंदर। पानी की क्वांटिटी कभी कभी आपके मैदा पर भी डिपेंड करती है कि आपने किस तरह की मैदा ली है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें 2-4 चम्मच पानी और लगेगा बस। हमें इसी टाइप का डो चाहिए जिसके अंदर अलग अलग लेयर्स हमको दिखाई दे। इसमें 1/2 चम्मच पानी और मैं ऐड करके इसको बाइंड कर देती हूँ पूरा एक जैसा। इस स्टेज पर मैं इस मैदा को 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख रही हूँ। यहाँ हमने गैस पर एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। सेम कटोरी से 2 कटोरी चीनी। बालूशाही की चाशनी बनाने के लिए परफेक्ट रेशियो है कि आप 1 कप या 1 कटोरी सेट कर लें और 1 कप पानी लें और 2 कटोरी चीनी लें। वजन में लगभग 400 ग्राम के आसपास ये चीनी है। इसको इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि ये नीचे तले में ना लग जाए। या हम ज्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनाने वाले हैं और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं बनाएंगे। इस तरह की चाशनी बनाएंगे कि हमारी बालूशाही के अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और रसीली बालूशाही हमारी बनकर तैयार हो। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ी सी केसर, चुटकी भर ऑरेंज फूड कलर। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है बालूशाही के अंदर। जब चीनी अच्छे से घुल जाए तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए कि अगर आपको ये जो लास्ट बूंद है टपकाने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। ये देखेंगे लास्ट जो ड्रॉप है वो टपकने में थोड़ा टाइम ले रही है। बस इसी स्टेज पर इसको हमें गैस को बंद कर देना है। चाशनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। मैदा को रखे हुए कम से कम 15-20 मिनट हो चुके हैं। इसको चेक कर लेते हैं,
ये देखिए कितना बढ़िया आटा बना है इसका। अब इसको हम बालूशाही बना लेते हैं। बालूशाही बनाने के लिए यहाँ मैं इस तरह से बॉल लूँगी, थोड़ा थोड़ा मैदा लेकर इस तरह से मैं उसको रोल करूँगी, बिल्कुल हल्के हाथों से ये करना है ये प्रोसेस। और आप एक पेंसिल या बेलनी लेकर उसको इस तरह से बीच में होल कर दीजिए। ये देखिए इसमें इस तरह से होल कर दिया है हमने, जिससे इससे सारी की सारी चाशनी अंदर तक जाए और ये अंदर से सिकेगी भी बहुत बढ़िया तरीके से, आप देख सकते हैं। इसी तरह से बनाकर हम सारी बालूशाही रेडी कर लेंगे। बालूशाही को मैंने इस तरह से बनाकर रख लिया है, सारी की सारी बालूशाही बन गई है मेरी। इनको अब हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए आप शुद्ध घी भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप चाहें तो आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है, मैंने कढ़ाई को आधा भर लिया है ऑयल से, पूरा फुल नहीं भरना है। इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर ही एक बार चेक करूंगी कि हमारा ऑयल कितना हीट हो चुका है। ये देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा आटा डालकर देखा है तो उसके अंदर से थोड़े थोड़े बबल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये ऊपर भी आ गया है इस तरह से, तो अब मैं इसको बालूशाही इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ट्रिक है कि आप बालूशाही जब भी आप बनाए तो ऑयल की फ्लेम बिल्कुल लो रखें, उसको कढ़ाई में डालें, क्योंकि ये जितना ज्यादा अच्छा लो फ्लेम पे सिकेंगी उतना ही बढ़िया खस्ता बनेंगी। एक बार में मैंने 5 से 6 बालूशाही डाल दी है। ये देखिए अपने आप इसके अंदर बबल जाना स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़ी देर में ये अपने आप ऊपर फ्लोट करके ऊपर आ जाएगी और उस स्टेज पर हम इसको पलट देंगे। एक बार आप देख सकते हैं बालूशाही ऊपर आना स्टार्ट हो चुकी है, ये फ्लोट करना स्टार्ट हो चुकी है। इस टाइम पे इसको हम थोड़ा सा चला देंगे, इस तरह से घुमा देंगे ताकि सारी जगह से इसको हीट लगे। सारी बालूशाही ऊपर ऑयल में फ्लोट करना स्टार्ट हो गई है, इसको अब हम पलट देंगे इस तरह से। बार बार इनको टच नहीं करना है, पूरी प्रोसेस में मुश्किल से 3 से 4 बार इसको आपको बस टर्न करना पड़ेगा ताकि ये दोनों साइड से सिकती रहे बराबर। बालूशाही का कलर ऑलमोस्ट गोल्डन हो चुका है, हमें इस स्टेज पर इसको निकाल लेना है। दोनों साइड से अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए बालूशाही कितनी परफेक्ट लग रही है देखने में। और ये जो ऑयल जो बह रहा है ना इसके अंदर से, वो हमें चाशनी के अंदर डिप नहीं करना है। यहाँ हमने चाशनी थोड़ी गुनगुनी कर ली है, अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। बालूशाही हमने गुनगुनी चाशनी के अंदर ऐड कर दी है, इस तरह से इसके ऊपर हम चाशनी डालेंगे ताकि अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। 2-3 मिनट तक इसको इसी तरह से इसके अंदर डिप रहने देंगे और बीच बीच में इनको पलट देंगे। यहाँ पर बालूशाही को हमने चाशनी में ऐड कर दिया था, 2 मिनट हो चुके हैं इसको पड़े हुए। इसको हम इस तरह से टर्न कर देंगे ताकि दोनों साइड से इसमें चाशनी लग जाए। टोटल इसको 5 से 6 मिनट चाशनी के अंदर भीगे रहने देना है। देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है इसके अंदर। बालूशाही ने चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ली है, इसको हम इस स्टेज पर निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक इसको इसमें पड़े रहने देंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएंगी, हमें वैसा नहीं करना है। हमें बाहर से इसको थोड़ा सा क्रिस्प रखना है। आप देखें कि ये कितनी जूसी लग रही हैं देखने में ही, कितनी शानदार लग रही हैं। लेयर्स इनकी देख सकते हैं आप, बहुत बेहतरीन है।